My job is to keep you out of harm's way. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों, ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों, ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे, जिस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे, जिस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे, जिस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस लगभग 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे, जिस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिशन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस लगभग 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे, जिस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिशन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस लगभग 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे, जिस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिशन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस लगभग 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस लगभग 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस लगभग 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे, जिस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे, जिस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे, जिस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपर हिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपर हिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपर हिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपर हिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपर हिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपर हिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में, और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे, जिस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे, जिस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे, जिस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी।
इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में। तो द हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो कि साल 2017 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी लंबाई 1 घंटा 58 मिनट है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है और इसको 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है, जिसको 43% की रोटेन टमेटो रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग 47% है, जिसको हांगकांग में 17 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया, जिसके डायरेक्टर पैट्रिक हग्स थे। इस मूवी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इसके स्टारिंग में सैमुअल एल जैक्सन, रियान रेनॉल्ड्स, सलमा हायेक, गैरी ओल्डमैन, इलोडा यंग जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्होंने फिल्म में काम किया है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की फिल्म है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो कि साल 2017 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सबमिट एंटरटेनमेंट, मिलेनियम मीडिया, क्रिस्टल पिक्चर्स है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लायंस गेट ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया 18 अगस्त 2017 को, जिसको बनाया गया US में इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की रनिंग टाइम 118 मिनट थी। इस मूवी की बजट काफ़ी शानदार रही, 30 से 69 मिलियन थी और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 176 मिलियन रही थी। दोस्तों ये सुपरहिट मूवी साबित हुई है, तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा।